गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलते हैं क्लास 7 एसएसटी ज्योग्राफी लेसन 12 पार्ट 2 हमारी बदलती पृथ्वी। इससे पहले हमने आपको मैग्मा ज्वालामुखी लावा अंतजनित बल और पयजनित बल के बारे में बताया। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि किस तरीके से पर्यावरण किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट लेसन में अध्ययन किया था परिक्रमा, जिसने हमने चारों ओर घेरे हुए हैं वो आवरण पर्यावरण कहलाता है। सरल शब्दों में अगर हम कहें, जिसे हम देखते हैं, सुनते हैं तथा महसूस करते हैं वो पर्यावरण है। पर्यावरण के घटक क्या होते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण तथा मानव निर्मित पर्यावरण। ये तीन पर्यावरण के घटक हैं जिसके कारण हमारे एटमोस्फेयर के अंदर चेंजेस आते रहते हैं। सेकेंड चैप्टर के अंदर हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था, किन परतों से मिलकर बनी है, उन्हें क्या कहा जाता है और किस तरीके से हमारी स्थल पृथ्वियों का निर्माण होता है। आज हम अध्ययन करेंगे हमारी जलती पृथ्वी। इससे पहले मैंने आपको मैग्मा के बारे में बताया, प्लेटों के बारे में बताया कि प्लेटें किस तरीके से गतियां करती है, इन सभी के बारे में मैंने आपको अवगत कराया। अब आता है भूकंप। भूकंप दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस कंप, यानी भू का अर्थ हो गया भूमि, कंप का अर्थ हो गया कंपन करना। तो भूकंप का अर्थ हो गया भूमि का हिलना या कंपन करना। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो पृथ्वी का मैग्मा के कारण, जब मैग्मा बाहर आता है, मैग्मा बाहर आने की चेष्टा करता है, तो उस दौरान हमारी पृथ्वी की जो विभिन्न परतें होती है उनके ऊपर वो गर्म मैग्मा बाहर निकलने की चेष्टा करता है, उनको पिघलाते हुए, उनको प्रक्षेपित करते हुए बाहर निकलने की चेष्टा करता है। यदि वह रात्रि को छिद्रित न करकर रात्रि के नीचे ही ठंडा हो जाए या शांत हो जाए और भूमि का तापमान उस दौरान क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। इसी के विपरीत अगर वो मैग्मा धरातल को छेदित करते हुए बाहर निकलकर ठंडा हो जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं, यानी ये प्रोसेस होती है आपकी ज्वालामुखी की। इसके बाद आता है स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर पैदा होने वाला कंपन। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। रासायनिक नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा अनुधैर्य तरंगे। पी तरंगों को अनुधैर्य तरंगे भी कहते हैं। इसके बाद आता है आपका एल तरंगे। एल तरंगों को हम क्या कहते हैं? एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। इसके बाद आता है आपके एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे। अब सबसे पहले अनुधैर्य तरंगे, पी तरंगे जो मैंने आपको बताया था, ये केवल ठोस में यानी गुजर सकती है, जबकि एस तरंगे जो है वो आपके तीनों में से गुजर सकती है और जो आपकी एल तरंगे हैं वो पृष्ठीय यानी जो भूतल के ऊपर गुजरती है या भ्रमण करती है उन्हें हम एल तरंगे या पृष्ठीय तरंगे कहते हैं। तीन तरंगे आपको क्लियर हो गई होगी, पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे
व पृष्ठीय तरंगे। इसके बाद आता है नदी द्वारा निर्मित स्थलाक नदियाँ। नदी अपरदन और निक्षेपण के कार्य करती हुई जलप्रपात, विसर, चाप झील, बाढ़कृत मैदान और डेल्टा का निर्माण करती है। नदी जब अपने उत्तम स्थान से निकलती है तो रास्ते में जो भी अवसाद उनको मिलते हैं तो वो अपने बहाव के साथ उनका अपरदन करते हुए उनको लेकर आते रहते हैं, जिसके अंदर कुछ महीन कण, कुछ मोटे कण या कुछ अन्य कण भी अवसाद भी विद्यमान होते हैं। जब नदी के साथ बहाव आ रहे होते हैं तो किसी अड़चन के कारण वहां पर वो इकट्ठा होना प्रारंभ कर देते हैं और प्रारंभ करते करते एक परत के ऊपर दूसरी परत, दूसरी के ऊपर तीसरी परत, इस तरीके से वो एक आकृति का निर्माण हो जाता है जिसे हम निक्षेप कहते हैं। इसी तरीके से हमारी विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होना है। इसके बाद आता है आपका समुद्री तरंगों के कार्य। समुद्री तरंग के अपरदन और निक्षेप के द्वारा समुद्री गुफा, तटीय मेहरा, स्टैक और पुलीन का निर्माण किया जाता है। यानी समुद्र के अंदर जब निक्षेपों के द्वारा कोई विशेष आकृति बन जाती है तो वो समुद्री जो लहरें होती है या तरंगें होती है वो उनके साथ बार बार टकराकर उनमें इन विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। इसी तरीके से जब हमारे निक्षेप बनते हैं तो विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का भी निर्माण होता है। इसके बाद है आपका पवन के कार्य। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में पवन के द्वारा छत्रक क्षय, बालू टिब्बा और लोयस निक्षेप जैसी आकृतियों का निर्माण होता है। जैसे कि हमने आपको बताया छत्रक क्षय, जब कोई टिब्बा होता है तो छत्रक क्षय का निर्माण कैसे होता है, जब पवन उत्तरावर्त गति से गति करती है तो उनके निक्षेप हो जाते हैं और वो एक विशेष प्रकार की आकृति का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कोई छतरी हो तो इसी शहर में यहाँ से पवन द्वारा अपरदन हो रहा है, अपरदन होने के उपरांत ये एक विशेष प्रकार की आकृति का निर्माण हुआ जिसे हम छत्रक क्षय कहते हैं। इसी तरीके से आपकी विभिन्न प्रकार के बालू टिब्बा तथा लोहे चट्टानों का भी निर्माण होता है। तो आज के लिए हमारा इतना ही। कौन के खाते क्या होते हैं, समुद्री तरंगे क्या होते हैं, भूकंपीय तरंगे, भूकंप, आज हमने इन सब के बारे में अध्ययन किया है। नेक्स्ट